सो हेलो एवरी वन आज हम लोग बेसिकली सी बी वन का पूरा सिलेबस के बारे में आई गिव यू एन आइडिया उसके पहले यू मस्ट नोट वन वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन कि आपको सी बी वन रेगुलरली पढ़ना है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ये बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जैसे नॉर्मली आप कोई भी एग्जाम देंगे उसका एक पैटर्न होता है कि भैया इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बट यहाँ पे किसी भी कॉन्टेक्स में दे कैन आस्क एनी थिंग ठीक है ना तो इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आता है रेगुलर इफ यू प्रैक्टिस इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू क्लियर दिस पेपर इन वन अटेम्प्ट अभी जो नया चेंजेस आया है वो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए इफ़ यू आर अपेयरिंग फ्रॉम आई ए आई देन पहले जब पेपर पैटर्न होता था अभी भी वैसा ही पेपर पैटर्न होगा सेम पेपर पैटर्न है राइट right? पेपर पैटर्न इज सेम एज बिफोर और अगर आप आई एफ ओ से दे रहे हैं तब आपको उतना राइटिंग स्किल्स पे फोकस नहीं करना है बिकॉज फुल एम सी क्यू हो गया है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे गाइडलाइंस हमको हम लोग आपको शेयर कर देंगे जैसे इसमें एम हो सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है एंड देन यू हैव ट्रू फॉल्स देर वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन वो आपको पूछेंगे एग्जाम्स में राइट right? सो आई आई का सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा एंड आई थिंक आने वाले टर्म्स में आई आई भी उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर देगा बट एज ऑफ नाउ जो करेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आई आई में पेपर पैटर्न ही सेम एज बिफोर फुल सब्जेक्टिव आए इसमें जैसे पहले आते थे पूरा सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है एंड आई एफ में आपका पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है वो लोग नाव सब्जेक्टिव होने से हमको थोड़ा कुछ भी मालूम रहेगा ना तो हम उसको एटलीस्ट आई कैन एबल गिव एन अटेम्प्ट एंड मैं कुछ ना कुछ लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं तब तो आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा एक्यूरेट इन द सेंस आपको एक्जैक्टली exactly मालूम होना चाहिए वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन सो काफी सारे सम्स में आप देखेंगे वी विल गो बाई एलिमिनेशन अप्रोच ये तो हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता तो अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आंसर करेक्ट विल बी मोर तो अपने को अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम होगा इसमें जितना ज्यादा आप अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा राइट right? जैसे आ, अभी मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं जस्ट मैं आपको एक आ, एक आ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग जब भी कोई भी चीज करते हैं ना तो थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी सीरियसनेस दिखाएंगे तब आप क्लियर कर जाएंगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं राइट right? जैसा सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू विथ कैश रुपीस वन लैख गुड्स परचेस्ड rupees 60000 during the year goods sold rupees 80000 right closing stock as on 31st december 2022 is rupees 20000 calculate opening stock and the options are 40000 20000 1 lakh none ऑफ the above एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन है राइट right? uh, ऐसा डाटा आपको देगा बोलेगा कि ये इसका वैल्यू निकालिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से एनी केसेस फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो ऑप्शन ए ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन ए हाउ मेनी आर फ्रॉम ऑफलाइन ऑफ ऑप्शन ए वेरी गुड सब कोई हाँ आंसर होगा एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि किसी का भी करेक्ट नहीं है कोई ऑनलाइन में कुछ लिखा है हार्दिक इज सेइंग ट्वेंटी थाउजेंड सो so ए नहीं तो बी होगा राइट right? बी भी सही नहीं है बेटा आंसर इज नन ऑफ दवफ आंसर इज नन ऑफ दव मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं स्टार्टेड बोला है, काहे का ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा दे हैव टोल्ड यू स्टार्टेड बिजनेस तो ओपनिंग स्टॉक हैज टू बी जीरो राइट ये आप में होना चाहिए अगर ये नहीं हुआ ना दे इज अ प्रॉब्लम इन एम सी क्यू दिस थिंग यू नीड टू डेवलप ऑप्शंस में देखिए सब देगा सारे पॉसिबिलिटीज दे विल गिव यू बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे ओपनिंग स्टॉक बोला है एंड वी हैव स्टार्टेड बिजनेस ओपनिंग स्टॉक टू बी जीरो नो ओपनिंग स्टॉक अगर ये कंटिन्यूइंग बिजनेस होता तो अपने ओपनिंग स्टॉक में दिखाते हैं इज दैट फाइन हा सो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स थोड़ा बेटर वे में थोड़ा सा आपको सेंस ऑफ ह्यूमर रखना है अपना सीरियसनेस थोड़ा रखना है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने से आप कर पाइएगा ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए सो so, अभी हमारे पास आया है दे हैव गिवेन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच दे आस्क अस इन एग्जाम एक तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है इनका एंड uh, स्क्रीन तो शेयर ही है ना स्क्रीन तो शेयर नहीं करना पड़ता है अदर्स ऑल्सो कैनॉट सी द स्क्रीन बाकी लोग अलग से स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है हाँ वी कैन सी इट तो लिखा है तो अलग से नहीं है जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वही है फुल स्क्रीन ही तो आ रहा होगा प्रेजेंट कर दू अलग से एंटायर स्क्रीन स्क्रीन टू को मैंने प्रेजेंट कर दिया नाउ कैन यू सी ओके ठीक है मल्टीपल रेस्पॉन्स के भी आंसर आएंगे मल्टीपल रेस्पॉन्स जैसे दो या तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे तो आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द टू ऑप्शन इज करेक्ट या विच ऑफ द टू ऑप्शन इज इन करेक्ट राइट एंड देन यू हैव ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे आपके जैसे ट्रू फॉल्स में आपको चार स्टेटमेंट दे देगा राइट right? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं Transactions are recorded from Owner's point of view. Personal expenses are shown. As expense in income statement. Resource is recorded in Books of Accounts. Events are recorded in Books of Accounts. अभी आपको बोलेगा चार ऑप्शन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सो पहला ऑप्शन में वन टू थ्री एंड फोर चारों ऑप्शन करेक्ट है बी में ओनली फोर सी में टू एंड फोर डी में वन एंड फोर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो अपने को ना इसमें ये सब देख के फायदा नहीं है बताइए पहले आप हमको बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है वन एंड फोर इज करेक्ट वन करेक्ट क्यों नहीं है वेरी गुड अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे सो so ये हमारा इनकरेक्ट है ठीक है बिकॉज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी बोलता है ओनर एंड इट्स बिजनेस आर रिगार्डेड एज टू डिस्टिंग लीगल एंटिटीज दे आर नॉट वन तो जो भी अपन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे क्लियर ऑप्शन टू पर्सनल एक्सपेंस को एक्सपेंस बोल के नहीं दिखाया जाता ड्रॉइंग्स बोल के दिखाया जाता है तो बिजनेस पीएल में बिजनेस का जो इनकम स्टेटमेंट बनता है ना दैट्स बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंस वी डोंट शो एनी अदर एक्सपेंस सो पर्सनल एक्सपेंस डज नॉट कम इन बिजनेस का पीएल सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स ह्यूमन रिसोर्स इज रिकॉर्डेड नो इट इज येट इन टू डेवलपमेंट प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अभी हमारे अकाउंटिंग फील्ड में डेवलप नहीं हुआ है अगर मैं ब्रांड नेम की बात करता तो ठीक है देर आर सम पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग द ब्रांड ऑफ द कंपनी

अब मेरे को यह मालूम चल गया से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यह मालूम है सपोज मेरे को डाउट हो रहा है ऑप्शन में इफ आई नो श्योर हंड्रेड परसेंट कि वन तो होगा ही नहीं तो वन के एसोसिएटेड जो जो ऑप्शन है वो होंगे नहीं इसमें वन है मतलब यह ऑप्शन नहीं हो सकता इसमें भी वन है मतलब यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता बाकी दोनों में फोर है तो फोर को चेक करने का दरकार नहीं है मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में मैं चारों ऑप्शन को सोच के सही निकाल लू मेरे को इतना मालूम है मैं सारा स्टेटमेंट सी इसमें क्या होगा ना ये तो मैंने अकाउंटिंग रिलेटेड खाली दे दिया एग्जाम में जब पेपर आएगा सम थिंग दे विल गिव टू फाइनेंस रिलेटेड कुछ कॉस्ट रिलेटेड दे देगा कोई कुछ दे 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 तो को रिलेटेड को तो हो ही नहीं सकता ये मेरे को मालूम है इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को रखना पड़ेगा वन हो ही नहीं सकता तो वन जहां जाए उसको हटा दो अब फोर कॉमन है दोनों में तो फोर चेक करने का दरकार ही नहीं है ठीक है ना अब बचा क्या टू खाली टू को चेक करना है टू सही है या गलत है थ्री को तो देखेंगे भी नहीं आंख उठा के आई ओंट सी सी थ्री इसको तो मैं देखूंगा ही नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कौन से स्टेज पे है जानने का भी दरकार नहीं है हो सकता है मेरा मास्टर जी हमको बताया नहीं मेरा मास्टर जी को खुद को नहीं मालूम कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ है कि नहीं माइट बी राइट मेरे को खुद को नहीं मालूम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डेवलप हुआ है कि नहीं तो आपको भी जानने का दरकार नहीं है आपको बस खाली पॉइंट नंबर टू में फोकस करना है दैट्स वॉट एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट सो मल्टीपल रेस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन अप्रोच से जाना पड़ेगा विच ऑफ द टू इज इन करेक्ट विच ऑफ द टू इज करेक्ट इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा ट्रू फॉल्स भी वैसा ही है राइट ड्रॉप डाउन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें भी आपको ऑप्शंस दिया जाएगा राइट right? अभी आ, मैचिंग का भी सही होता है मैचिंग भी देगा वो लोग राइट सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचिंग के लिए भी दे वॉट दे विल गिव यू यहां पे चार ऑप्शंस इधर चार ऑप्शंस देंगे जैसे अगर मैं बोलूं Liquidity position, right? Relevant ratios, insolvency position. परफॉर्मेंस ऑफ करेंट एसेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये चार सिचुएशन दिया हुआ है आपको राइट अब आपको ऑप्शंस देगा ये लोग क्या ऑप्शन देगा पहला ऑप्शन देगा आपको ए का टू बी का फोर सी का वन डी का थ्री ऐसे करके आपको ऑप्शंस देगा फिर कुछ दे देगा ए का फोर बी का थ्री सी का टू डी का वन फिर कुछ दे देगा ए का थ्री बी का टू सी का फोर और डी का वन फिर कुछ और दे देगा डी का थ्री सी का वन ए का फोर बी का टू ऐसा आपको देगा अब आपको कुछ नहीं करना है अब आप हमको बताइए कैसे होगा दो तीन आपको करेक्ट निकालना है आपका आंसर आ जाएगा या जो हो ही नहीं सकता ऑप्शंस देखिए मत कंफ्यूज हो जाइएगा पहले आपको एक सही निकालना है एक हंड्रेड परसेंट आपको क्या लग रहा है तुमको क्या लग रहा है तुम बताओ नहीं तुम क्या होगा मतलब इन चारों का इन चारों से मैच करो तुम लिक्विडिटी पोजिशन डेप्टीक्विटी। तुमको ये लग रहा है तुम बोल रही हो एक का थ्री होगा ये तुम बोल रही हो ना तो तुम एग्जाम में क्या करके आओगी सी मार्क करके आओगी तुम तो यही करके आओगी हम तो श्योरिटी का बात बोल रहे हैं अनश्योर का तो बात बोल नहीं दे तुम एग्जाम देने जा रही हो तुम बोल रही हो इन चारों में तुमको बेस्ट क्या लगता है तुम बोलोगी एका थ्री तो तुम हिसाब से एक का थ्री में एक ही ऑप्शन है हमको बाकी चेक करने का दरकार ही नहीं है इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अभी ऑनलाइन में एक बच्चा बोल रहा है ए का फोर तो उसके लिए क्या होगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए या तो बी होगा या डी होगा हाँ ना? तो इसको एक और जाना पड़ेगा इसको एक और जाना पड़ेगा इसके पास ऑप्शन नहीं है ही टू गो वन मोर तो इस, इसने बोला लिक्विडिटी एनालिसिस मतलब करेंट रेशियो करेंट एसेट बाई करेंट लाइबिलिटी से लिक्विडिटी एनालिसिस मालूम चलता है प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिटर्न मतलब D का वन होगा ठीक है A फोर यही दो है ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता D का वन इन दोनों में बात करो अब तो D का वन तो यही है D का वन तो यही है ना तो उसको जो दो मालूम था उस दो के बेसिस पे उसने आंसर कर दिया दैट्स वॉट एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट राइट तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है एक्चुअल आंसर सी और बी इक्विटी रेशियो से इंसॉल्वेंसी मालूम चलता है सॉल्वेंसी पोजिशन इंसॉल्वेंसी पोजीशन पोजिशन आपको डेप्ट इक्विटी बहुत ज्यादा अगर आपका डेप्ट हो गया इसका मतलब आपका कंपनी खतरे में है राइट द कंपनी इज इन प्रॉब्लम सो इन दैट केस उसके लिए अपन डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे परफॉर्मेंस ऑफ करंट एसेट डेटर्स टर्नओवर से यह मालूम पड़ता है हाउ फास्ट वी आर एबल टू कलेक्ट आवर डेटर्स स्टॉक टर्न से यह मालूम चलता है हाउ फास्ट वी आर एबल टू सेल आवर गुड्स सो दैट्स परफॉर्मेंस ऑफ करंट एसेट्स जितना अच्छा करेंट एसेट परफॉर्म करेगा आपका बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन उतना अच्छा रन करेगा राइट right? सो so इस तरीके से हमको करना है तो मैचिंग एंड ड्रॉप डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टाइप का क्वेश्चन आता है एजर्शन एंड रीजनिंग ये हम लोग बात करेंगे अलग से तो एक तो हमारा ये हो गया एमसीक्यू इसमें न्यूमरिक्स थ्योरी कुछ भी आ सकता है करेक्ट वरेक्ट वाला मैच वाला फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और एक हमारा होगा एजर्सन ऑब्लिक रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है भर भर के आएगा पेपर में ये ठीक है तो इसको हम लोग बात करेंगे डिटेल में आने वाले क्लासेस में वी विल हैव मोर क्वेश्चंस ऑन दिस ठीक है सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं सो इट वॉज जस्ट अ फीलर राइट आई आई वालों का अलग से पेपर पैटर्न है तो so, पहले तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे राइट right? एंड उसके बाद में हम लोग दोनों ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दे माइट गिव यू अ पैराग्राफ एंड बेस्ड ऑन दैट दे माइट गिव यू फाइव एम एक पैराग्राफ के बेसिस पे पांच क्वेश्चन सॉल्व करने दे देगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में बट वी विल डील Check it